नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के किसान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिका आर्यन। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरें। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं किसान बुलेटिन की हेडलाइंस पर। यूपी के झांसी में एक और किसान ने की खुदकुशी। जमीन की रजिस्ट्री में कम स्टाम्प लगाने पर मिला था रिकवरी नोटिस। परिजनों ने अमीन पर लगाया रिश्वत लेने का आरोप। उत्तर प्रदेश में हाई टेंशन तारों से खेतों में आग लगने की घटनाएं जारी। मुरादाबाद में 35 तो श्रावस्ती में 60 बीघा गेहूं की फसल स्वाहा। अब तक सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल हो चुकी है खाक। हरिद्वार में अनशन पर बैठे संत आत्मबोधानंद ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। 25 अप्रैल तक मांगे न पूरी होने पर जल छोड़ने की चेतावनी। गंगा की अविरल धारा के लिए 179 दिनों से चल रहा है अनशन। गर्मी आते ही सूखा जगदलपुर का चित्रकोट फॉल। दुनिया भर में मशहूर पर्यटक स्थल पर फैली वीरानी। इंद्रावती नदी को बचाने के लिए स्थानीय संस्थाओं ने किया जल सत्याग्रह। आज सबसे पहले बात गंगा की। गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए 179 दिनों से हरिद्वार में अनशन पर बैठे संत आत्मबोधानंद ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने 25 अप्रैल तक मांगे पूरी ना होने पर 27 अप्रैल से जल भी छोड़ने का ऐलान किया है। स्वामी आत्मबोधानंद ने पत्र की कॉपी प्रधानमंत्री के साथ ही राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र संगठन समेत दूसरे लोगों को भी भेजी है। इनकी मांगों में स्वामी सानंद का बनाया गंगा ड्राफ्ट लागू करना, गंगा के बारे में फैसला करने के लिए गंगा भक्त परिषद बनाने, गंगा पर प्रस्तावित बांधों को निरस्त करना, निर्माणाधीन बांधों को खत्म करना, हरिद्वार में खनन पर पाबंदी, चार धाम परियोजना के नाम पर पेड़ों की कटाई रोकना और गंगा के प्रबंधन के लिए गैर राजनीतिक ऑटोनॉमस बॉडी बनाना शामिल है। इससे पहले इन्हीं मांगों के लिए अनशन कर रहे स्वामी सानंद का निधन हो चुका है। उन्हीं के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे स्वामी आत्मबोधानंद ने अंत समय तक संघर्ष जारी रखने की बात कही है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता देवेश सागर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देवेश, ये जो आत्मबोधानंद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और लगभग 6 महीने हो गए हैं इन्हें, अब ये जल छोड़ने की भी बात कर रहे हैं, तो इतनी बुरी हालत हो गई है और गंगा को लेकर इनकी मांगों पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पूर्व में भी जो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल थे उन्होंने भी पीएम को पत्र लिखा था। अब उनकी भी इसी तरह से जो है मृत्यु हो गई थी। अब जो है स्वामी आत्मबोधानंद भी पिछले 6 महीने लगभग हो गए उनको बैठे हुए अनशन पर, वो भी अपनी मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं। आज उन्होंने पीएम को पत्र लिखा है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यदि उनकी मांगे 25 तारीख तक नहीं मानी जाती तो 27 तारीख को जल भी त्याग देंगे। कहीं ना कहीं इसमें जो है सरकार और स्थानीय प्रशासन है वो पूरी तरीके से अनदेखी कर रहा है उनके साथ। कोई भी स्थानीय प्रशासन या कोई भी जो है क्षेत्र का मंत्री या कोई भी विधायक उनके पास अभी तक नहीं गया है, जिसकी वजह से उन्हें ये रास्ता अपनाना पड़ रहा है जी। लेकिन देवेश, लंबे समय से इस तरह के दावे किए जा रहे थे, जब ये सरकार आई थी तब भी ये बात हुई थी कि गंगा को स्वच्छ और निर्मल, इसकी अविरल धारा को सुनिश्चित करने के लिए इतने करोड़ों रुपए बहाए गए नमामि गंगा को लेकर, और कहा गया कि लक्ष्य है मार्च तक 80% गंगा जो है स्वच्छ हो जाएगी, मगर हकीकत में ऐसा तो नहीं हुआ जी। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मंत्रालय बना दिया गया था, करोड़ों रुपए के योजना भी प्रारंभ की दी कर दी गई थी, लेकिन अभी तक जो धरातल पे गंगा की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं दयनीय बनी हुई है, कहीं ना कहीं नाजुक बनी हुई है, जिसकी वजह से जो आत्मबोधानंद है पिछले 6 महीने से अपना अनशन चलाए हुए हैं और आने वाले समय में जो मैंने बताया कि वो 27 तारीख को जल भी त्याग देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं
बहुत बहुत है, जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ पर्यावरणविद समीर रतूड़ी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है समीर जी आपका किसान बुलेटिन में। यहाँ ये खबर है कि स्वामी आत्मबोधानंद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि अब अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अब वो जल भी छोड़ देंगे। लगभग 6 महीने होने को आ रहे हैं और गंगा को लेकर उनकी जो मांगे हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं। जी नमस्कार जी, बिल्कुल सत्य बात है। स्वामी आत्मबोधानंद जी लगातार गंगा की अविरलता को लेकर, गंगा की निर्मलता को लेकर लगातार काफी समय से अंतर्गत है। और यही नहीं, उन्होंने कई बार राज्य के मुख्यमंत्री मुखियाओं से मिलने का प्रयास भी किया, उन तक संदेश पहुंचाने का काम भी किया, लेकिन देखा जाए तो राज्य सरकार ने लगातार उनकी बातों को अनदेखा किया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। यही नहीं, केंद्र सरकार से लगातार उन्होंने वार्तालाप करने का प्रयास भी किया है। और अभी देखने को आएगा कि जो आज उनका 179वां दिन जो भूख हड़ताल का है, इस 179वें दिन के भूख हड़ताल पर भी सरकार द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि सरकार इन मुद्दों पर अनदेखा कर रही हो, सरकार की कथनी और कनियों को अंदर रहा है। इससे पहले स्वामी सानंद जी बैठे थे, स्वामी सानंद जी को उनका स्वर्गवास हो गया, वो भूख हड़ताल में बैठे थे, उनको उनकी हत्या कर दी गई। उससे पहले स्वामी निर्मलानंद जी थे, वो भी ऐसी गंगा के अवरोध लेकर लगातार बैठे रहे, उनकी भी हत्या कर दी गई। सवाल यह है कि सरकार किस प्रकार से अपने तानाशाही रवैया रखकर जन आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। और जहाँ गंगा को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रदेश में लगातार की जाती है, उसको दरकिनार कर आम जनता की आवाज और जो आंदोलन कर रहे हैं गंगा को लेकर, उनको अनसुना लगातार करते आ रहे हैं। ये बड़ा ही दुख का विषय है हमारे सामने इस समय। जी समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने वाली केरल की पहली आदिवासी महिला श्री धन्या सुरेश ने अपनी कामयाबी का श्रेय मनरेगा योजना को दिया है। हालांकि गांव के पूरे इकोसिस्टम यानी स्थानीय लोगों के बीच खुशहाली लाने के इस फॉर्मूले के रास्ते में काफी अड़चने आई हैं। सरकारी आंकड़े इस योजना को लागू करने में लापरवाही दिखाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये हैं यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाली पहली आदिवासी महिला श्री धनिया सुरेश, जिन्होंने 2018 की परीक्षा में 410वीं रैंक हासिल की है। बीते दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान सुरेश ने अपनी कामयाबी के लिए मनरेगा योजना को जिम्मेदार ठहराया। श्री धनिया की माने तो इनके माता पिता मनरेगा के तहत मजदूरी करते हैं और इससे होने वाली आमदनी से उनकी पढ़ाई लिखाई मुमकिन हो पाई। मनरेगा योजना एक तरफ श्रीधनिया जैसे लोगों की जिंदगी संवार रही है, दूसरी तरफ मोदी सरकार इसे लागू करने में बेरुखी दिखाती रही। सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने इसे नाकाम योजना बताया, जिसका असर रहा कि पूरी योजना राजनीतिक उपेक्षा का शिकार हो गई। आंकड़ों की माने तो साल 2009 से 10 में मनरेगा के तहत जहां 45 करोड़ दिनों का रोजगार दिया गया, वहीं 2013 से 2018 के बीच 5 सालों में ये संख्या घटकर 22 करोड़ पहुंच गई। इतना ही नहीं, साल 2008 से 2009 में 100 दिनों का रोजगार पाने वाले मजदूरों की संख्या 25 लाख रही, लेकिन 2017-18 में ऐसे मजदूरों की संख्या 2,20,000 तक सिमट गई। मनरेगा की इस बदहाली के पीछे बजट कटौती से लेकर मजदूरी के भुगतान में देरी जैसी बातें जिम्मेदार हैं। एक सर्वे के मुताबिक 10 राज्यों के 90 लाख मजदूरों के खातों में लगभग 50 से ज्यादा दिन बाद मजदूरी भेजी गई। इतना ही नहीं, भुगतान में इस देरी के लिए मजदूरों को कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं दी गई। सरकार के रुख के उलट जानकार मनरेगा को गाँवों में खुशहाली लाने के लिहाज से अहम मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सूखे और रोजगार संकट से निपटने में मनरेगा को कारगर मानते हुए इसे सही से लागू करने के निर्देश दे चुका है, लेकिन मोदी सरकार मनरेगा योजना को सही से लागू करने के बजाय नई योजनाओं का ऐलान करती नहीं थक रही। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मनरेगा योजना की समस्याओं और चुनौतियों पर किसान मजदूर शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्य निखिल डे से बातचीत की हमारे संवाददाता इमरान खान ने। मनरेगा को लेकर जहां प्रधानमंत्री की तरफ से एक के बाद एक टिप्पणी की गई, वहीं दूसरी तरफ केरला के ट्राइबल एरिया में एक नई आईएएस बनी श्री धन्या ने इसकी काफ़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मनरेगा की वजह से मेरे माँ बाप को काम मिले और काम की वजह से मैं आज आईएएस अफसर बन गई, यानी अपनी ज़िंदगी संवारने का श्रेय जो है उन्होंने मनरेगा को दिया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निखिल डे साहब। ये कितना कारगर था मनरेगा,
इस तरह से एक आईएएस अफसर श्रेय दे रही हैं कि हमारी ज़िंदगी सवर गई। तो ये आईएएस अफसर का जो श्रेय है, ये वास्तव में हर आईएएस अफसर को समझना चाहिए, देश के हर राजनेता को समझना चाहिए और देश के अर्थशास्त्रियों सहित हम सबको समझना चाहिए कि एक चीज़ है जिसने लोगों को अमीर नहीं बनाया, लेकिन 100 दिन के रोज़गार की वजह से उनको थोड़ी सी ये राहत दी कि वो घर चला सके, खाना खा सके। और कुछ कुछ केसेस में, जैसे श्रेया का जो ये इनका कहना है, उसमें उनको पढ़ने का मौका मिले। फिलहाल किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इस मनरेगा को? मनरेगा के 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और चुनौतियाँ का भरमार है। सबसे बड़ी चुनौती है कि जो सत्ता पक्ष है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल विल कहते हैं, वो ही इसको लागू नहीं करना चाहता है। इसकी सारी कमियां उन्हीं के दरवाजे पर है। मनरेगा कानून में तो बहुत अच्छा है, कहता है 100 दिन का काम। अभी कई सारे राजनीतिक दलों ने 150 दिन या 200 दिन के काम की बात की, वो कर दें तो और भी ताकत मिल जाएगी। मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी वो दे नहीं रहे और मजदूरी 1 रुपये बढ़ाया है, कुछ कुछ राज्यों में कुछ बढ़ाया ही नहीं, कहते हुए कि कोई महंगाई नहीं हुई। ये पता नहीं कौन सी सरकार है जो खुद की तनख्वाहों को इतना बढ़ा देते हैं, खुद को 2-2 बार अपना डीए देते हैं और मजदूर जो है उसको पैसा पर्याप्त रूप में नहीं देते हैं। तो लोगों को पैसा दें, समय पर दें और काम दें, तो वास्तव में ग्रामीण भारत में एक बहुत बड़ी ताकत आ जाएगी। मनरेगा को लेकर सरकार की बेरुखी क्या है और क्यों है? इसलिए है क्योंकि लोगों को इज्जत देता है, इज्जत से काम देता है, काम का दाम लेते हैं, इज्जत से लेते हैं और फिर वो अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण मैं दूं, आदेश दिया कि जो केंद्रीय सरकार ने पैसा नहीं पर्याप्त दिया है और काम हो गया जमीन पर, और केंद्रीय सरकार ही पैसा एक एक व्यक्ति के अकाउंट में डालती है, तो पैसा नहीं है उनके पास तो पैसा नहीं जाएगा मजदूरों के पास। तो उन्होंने कहा कि आपका कितना, आपकी वजह से कितने दिनों की देरी हो रही है और उसका आप मुआवजा दो, कम से कम बैंक का ब्याज तो दो उन लोगों को जिन्होंने काम किया। उसी को आज तक नहीं नाप रहे, इतने महीने हो गए। तो केंद्र, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ, उन मंत्रियों के खिलाफ जो कर नहीं रहे हैं, उस सरकार के खिलाफ जो कर नहीं रहा है। लाखों करोड़ों मजदूरों को ये सहन करना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा ये बेगार है। यदि आप काम कराते हो और पैसे नहीं देते हो, पर्याप्त नहीं देते हो, टाइम पे नहीं देते हो और न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हो, आप बेगार कर रहे हो। सरकार बेगारी करा रही है हमारे ही मजदूरों से। ये योजना गाँव की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी जरूरी है? अगर ये फेल हो गई तो गाँव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? भयंकर बुरा असर पड़ेगा। कल मनरेगा खत्म कर दो और आप देख लो कि पूरे देश में आज ये एकमात्र चीज़ है जहाँ कम से कम लोगों को काम की गारंटी है। मोदी सरकार और ये बीजेपी सरकार आई कहते हुए कि नहीं, हम बहुत कुछ कर देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, वो तो दूर की बात, जो है वो ही ख़त्म हो रहा है। और मनरेगा पर ऊपर भी आक्रमण किया, वो बच गया क्योंकि लोग इसके लिए लड़ते रहे और संघर्ष करते रहे, लेकिन बीजेपी की बस चले तो ये कार्यक्रम ख़त्म होगा और लोग भूख से मरेंगे और हाई तराई मच जाएगी गांव में। और एक चीज़ जो चला है 10-12 साल से बहुत कठिनाई से, उसी को यदि ख़त्म करेंगे तो हम हमारे लोगों, आम लोगों के पास ऊपर, मजदूरों और किसानों के ऊपर एक तरीके से हत्या का एक पूरा सिलसिला चला रहे होंगे। हत्या का पूरा सिलसिला चलेगा, यानी मनरेगा एकलौती ऐसी योजना है जो रोजगार की गारंटी देती है, मिनिमम आय की गारंटी देती है। अगर ये चरमरा गई तो गाँव की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। कैमरामैन विवेक के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली। तो साफ तौर पर एक्सपर्ट निखिल डे बताते हुए कि किस तरह से जो मनरेगा है वो बहुत ही, उसमें मनरेगा की जो पूरी जिस सोच से ये शुरू हुई थी 2005 में, वो किस तरह से अंडरमाइन की गई है, कमज़ोर की गई है और वो काफ़ी गुस्से में है। इसी तरह मोदी सरकार भले ही इस योजना को कमज़ोर कर रही हो, लेकिन इससे लाभ पाने वालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। राजस्थान के राजसमंद की रहने वाली अनीता ने मनरेगा से परिवार को मिले रोजगार के सहारे एमए तक की पढ़ाई करी और वो उसमें सफल रही। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर खुद अनीता इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ गई हैं। अनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। आप ये बताएं कि मनरेगा ने आपकी जिंदगी को किस तरह से संवारा और किस तरह से मनरेगा जो है आपकी जिंदगी में एक अहम भूमिका अदा करती है। जी मैम, उसमें नरेगा में जब से मैं जब पढ़ाई कर रही थी उस टाइम
कुछ उस टाइप के हालात थे कि स्कूल जाना और पैसा और मजदूरी, मम्मी पापा मजदूरी करते थे, तो उस टाइम मैं खुद छुट्टियों के टाइम में, जब मैं 10th क्लास में थी, तो 10th क्लास पास करने के बाद में मैं खुद नरेगा में जाने लगी, और छुट्टियों के टाइम में जो नरेगा से इनकम होती थी उससे, छुट्टियों के टाइम में जो पैसा आता था उससे उससे वो बचा के कुछ पैसा घर पे देती और कुछ पैसा अपने पास रख के मैं आगे की पढ़ाई शुरुआत किया। तो मैं जब तक मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जब तक मैं नरेगा में जाती रही, और नरेगा की वजह से मैं आज एमए, अभी एमए कर रही हूँ, एमए लास्ट ईयर। जी अनीता, ये बताएं कि पहले जब नरेगा शुरू हुआ और आज के जो हालात हैं, आप किस तरह का अंतर देखती हैं? जी नरेगा में उस टाइम हम पूरा काम करते थे और पूरा पैसा जो उस टाइम 100 रुपए का, 100 रुपए का रेट था और 100 रुपए पूरा मिलता था। लेकिन आज जो 2014 के बाद में जब नरेगा चालू हुआ, तो अभी हर लेबर से 100-150 रुपए ले लिए जाते हैं जेटीओ द्वारा या जो मेट है उनके द्वारा, और जैसे भी चला के काम करवा दिया जाता है और उनको 60-70 रुपए मिलते हैं, और लेबर को कहते हैं कि आपको कहीं काम करने की जरूरत नहीं, आपको पैसा मिल जाएगा, तो वो काम करते भी नहीं है। और इसमें एक बात ये और है कि अभी उनको पैसा कम मिल रहा है और काम भी कम मिल रहा है, तो अभी ऐसे ऐसे भी लेबर है जिनको 3-3 महीने से उनको पैसा नहीं मिल रहा है, और 3 महीने से पैसा नहीं मिल रहा है, तो अभी वो जाएंगे तो क्या करेंगे? मतलब मजदूरी करने वालों को तो 10 दिन में तो पैसा चाहिए चाहिए, तो इसके लिए बहुत हो रहा है, नुकसान हो रहा है गाँव में। जी तो लोगों का बहुत बड़ा, गाँव की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें आप मनरेगा को कितने अंक देती हैं खुशहाली लाने के लिए? जी मैम एक बार और, खुशहाली लाने के लिए गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसमें आप मनरेगा योजना को कितने अंक देती हैं 10 में से? मैम 10 में से 10 पूरे अंक आएंगे, क्योंकि जब 2008 से पहले यही होता था कि गांव में जो दाल हो रही है तो दाल या चटनी या कड़ी बनती थी, और आज मार्केट में लोग, महिलाएं जाने लगी है, और सब लोगों का एक वो है कि कुछ नहीं पैसा आ रहा है, हम नरेगा में जा रहे हैं तो नरेगा से इनकम जो हो रही है वो अपना कुछ भी सामान लाना है या बच्चों को पढ़ाई करवानी है, उसके लिए सारा नरेगा के ऊपर ही डिपेंड है। हर गांव में रोजगार तो ऐसा है नहीं कि वो कुछ क्या मजदूरी क्या करेंगे, मजदूरी मिलती नहीं है, पानी होता नहीं है तो खेती भी नहीं होती है, तो वो नरेगा में जाके अपना पूरा कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अनीता बताते हुए और जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हुए कि किस तरह से नरेगा ने गांव में खुशहाली लाई, और एक ये तरीका है कि लोग जो है काम करें और फक्र से पैसा कमा कर घर आए। बुलेटिन में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खेती किसानी से जुड़ी कुछ और अहम खबरें, देखते रहिए किसान बुलेटिन। अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे, न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय, किसान पाए, हर नौजवान पाए, न्याय, रोजगार लाए, न्याय, मिटा दे नफरत, न्याय, ही प्यार लाए, अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। चूंकार अज हमा हीलते दरगुजश्त, हलालस्त बुर्दन व शमशीर दस्त, जब दूसरे तमाम रास्ते कारगर ना हो सकें, कामयाब ना हो सकें, तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है। ये कहना है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। लेकिन आज हम लोकतंत्र हैं, हमारा वोट हमारी तलवार है, हमारा वोट हमारी बंदूक है, आप हमारी ताकत हैं और हम आपकी आवाज है, बेखौफ आवाज, आजाद आवाज। विनोद दुआ लाइव सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे स्वराज एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। कहीं आग तो कहीं पर बारिश किसानों को तबाह कर रही है। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में लहसरा गांव के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बारिश में भीगने से गेहूं और बाजरा जैसी फसलें खराब होने की कगार पर हैं। गेहूं के दाने काले पड़ने का उन पर खतरा बना हुआ है। यहां खरबूज की खेती करने वाले किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों का कहना है कि अभी बीज से पौधा निकला ही था, लेकिन अचानक बारिश से पूरी की पूरी फसल बेकार हो गई है। सारी फसल गिर गई है, गेहूं काली पड़ गई, गेहूं उपज आएंगे, पानी भर रो है, कटी भई है वो देखो, ठाड़ी भई है वो सबरी परी है, कीड़ा लग रहा है, उपज रही है,
बारी है, बाजरा है, काऊ को सब बेकार है, सब में नुकसान है। और बाजरा है, चलो बाजरा पे तो नहीं है इतना, पर खरबूज पे ज्यादा नुकसान है। खरबूज पे काफी नुकसान है, बिल्कुल बेकार है फसल आपके खरबूज। एक तरफ आंधी बारिश तो दूसरी तरफ आग। खेतों में आग लगने की घटनाएं भी किसानों की बर्बादी की वजह बन रही हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के नागरौर गांव में आग लगने से खेतों में खड़ी 60 बीघे गेहूं की फसल स्वाहा हो गई। इससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। फिलहाल आग की वजहों का पता नहीं चल पाया है। वहीं बात मुरादाबाद की करें तो यहां गाजीपुर गांव में हाई टेंशन तार टूटने से लगी आग की चपेट में आकर 25 बीघे गेहूं की फसल खाक हो गई। किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने जर्जर हो रहे हाई टेंशन तारों का ठीक ठाक से रख रखाव ना होने का आरोप लगाया है। नुकसान हो गया तो 2,00,000 का नुकसान हुआ। किसकी लापरवाही से हो गया ये नुकसान? इनकी जय की लापरवाही से हुआ, किसी के साथ क्या हुआ जो लाइन पे आनिया फिर और कमजोर तार तोड़ जा। ये जय की लापरवाही से एक साल से पोल खड़ा है, उस पर तार ही नहीं बांधे, वो तार ही नहीं बांधे, तार लटके हुए थे, किसी वजह से ज्यादा जोर पड़ा उससे टूट गई गर्मी से। ये जो जो रकबा है ये कई 3-4 लोगों के खेत है यहाँ पे, तो कैसे आग लगी क्या सूचना? ये बिजली के तार के कारण हुआ है। उत्तर प्रदेश ही नहीं मध्य प्रदेश में भी खेतों में खड़ी गेहूं की फसलें आग से स्वाहा हो रही हैं। ताजा मामला जबलपुर जिले का है, जहां बिजौरी गांव में 4 किसानों की लगभग 15 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने जुटकर आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड गाड़ी देर से आने का भी आरोप लगाया। किसानों को इससे लाखों रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। थाने भी फोन किया है, नहीं किया है? नहीं, थाने वाले भी नहीं पहुंची आए, बहुत कोशिश करी आगे की नहीं पूछी, गेहूं जल गया पूरा। जो साफ तौर पर बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। गर्मियां शुरू होते ही इस तरह के हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। करीब 10-15 दिनों से उत्तर भारत की किसी न किसी ग्रामीण इलाके और खेतों में झूल रहे हाई टेंशन तारों से फसलें स्वाहा हो रही हैं, लेकिन चुनावी मौसम में इस ओर प्रशासन या बिजली विभाग का ध्यान नहीं जा रहा। आपको ये जानकर हैरानी और दुख दोनों होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत का नियाग्रा फॉल्स कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले का चित्रकोट फॉल इस गर्मी में पूरी तरह से गायब हो गया है। इससे यहां अब सैलानियों की चहल पहल की जगह वीरानी छाई हुई है। चित्रकोट फॉल और इंद्रावती नदी की दुर्दशा से नाराज स्थानीय लोगों ने यहां सांकेतिक जल सत्याग्रह किया। दंडक दल की अगुवाई में हुए इस आंदोलन में सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संस्थाएं शामिल हुई। स्थानीय लोगों की माने तो चित्रकोट फॉल के गायब होने की आशंका बीते 4-5 सालों से जताई जा रही थी, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। स्थानीय लोगों ने अपना ये आंदोलन आगे भी जारी रखने का ऐलान किया है। आने वाली स्थिति अगर यही रही तो हम जगदलपुर शहर को पानी भी नहीं मिल पाएगा, और जो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था जो जगदलपुर की जो यहाँ की टूरिज्म पे है और जो छत्तीसगढ़ का मुख्यालय है पर्यटकों का, जगदलपुर शहर जो सिर्फ चित्रकूट के नाम से यहाँ आता है, और 3 दिन पहले उसकी स्थिति आप सभी ने देखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले पर्यटकों की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा और आने वाले पर्यटकों को भी अपना असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर अकाउंट छोटा आदमी पर पोस्ट कर ऐलान किया है कि अगर राज्य में किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए नहीं मिल रहा है तो वो इन चुनावों में कांग्रेस को वोट ना दे। सीएम बघेल ने बिजली बिल हाफ ना होने और हर राशन कार्ड पर 35 किलो चावल ना मिलने पर वोट ना देने का ऐलान किया है। अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि वो काम पर वोट मांग रहे हैं, मोदी जी की तरह धर्म और जाति पर वोट नहीं मांग रहे हैं। कहीं फसलों का नुकसान, कहीं कर्ज का बोझ, तो कहीं पर धोखाधड़ी और घूसखोरी से किसानों की आत्महत्या की घटनाएं लगातार जारी हैं। नया मामला उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का है, जहां तहसील से मिले रिकवरी नोटिस से परेशान होकर एक किसान ने मौत को गले लगा लिया। रोती बिलखती बहन,
और गमगीन परिवार, ये मातम पसरा है किसान कल्लू के घर। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के पाडरी गांव के रहने वाले इस किसान ने तहसील से मिलने रिकवरी नोटिस से परेशान होकर अपनी खेत में फांसी लगाकर जान दे दी। तो घबरा को क्या पैसा हम कहाँ से दें, बहन को पकड़ लिया इज्जत कितने एक सी हो, तो वो घबरा के उसने फांसी लगा लेके पैसा कहाँ से दें, बाप है नहीं है, छोटा वाला भैया है, दो बहन है और बहन एक बीमार है थी। किसान कल्लू ने 7 साल पहले अपनी बहन सीमा को जमीन बेची थी। 2-3 महीने पहले अमीन ने रजिस्ट्री में कम स्टाम्प पेपर लगे होने की जानकारी दी। परिजनों की माने तो अमीन ने इस दौरान परिवार से पैसे भी लिए, लेकिन उन पर 2.5 लाख रुपए का बकाया बना रहा। लेकिन जब बहन सीमा के नाम वसूली का नोटिस आ गया तो किसान कल्लू का हौसला ही टूट गया। तो कहते एक स्टाम्प कम है उस पे, सो हमने कि जब एक स्टाम्प कम है तो रजिस्ट्री क्यों हो गई, सो बोले क्या ऐसा कुछ नहीं है और गद्दारी कर दी लोगों ने वकील ने। हमने कही तो ठीक है, इतने पैसे आ गए, हमने की तो अब हम कहाँ से भरे, गरीब हैं गे हम। कब देखे तहसीलवारों ने रजिस्ट्री कैसी कर दी ऐसी बिना देखे जी, अब वो पैसे कहाँ से भरे। इसीलिए साहब अमीन चढ़ बैठा, 14 तारीख में आया, उसने कहा साहब जी पूरी तुम्हारी जमीन लीलाम होगी, मकान लीलाम होगा, तो उसने घबराया, बहन को ले जाएंगी, इसलिए वो घबराना सो उसने बादर पानी बरसा, तो इसीलिए उसने फांसी लगा ली। क्या अमीन की अवैध वसूली और परिवार को धमकी के बारे में जब अधिकारियों से पूछा गया तो वे मामला कोर्ट में होने का बहाना देकर बचते नजर आए। के नाम कोई वर्तमान में जमीन नहीं है और जो जमीन उसके पास थी वो अपनी बहन को ही बेच दिया था उसने, तो उसी का स्टाम्प कम ही आया था मुकदमा, तो उसी वसूली के सिलसिले में अमीन वहाँ पे गया था वसूली करने के लिए। गलती किसी की भी हो, लेकिन किसान की खुदकुशी न केवल बकाया वसूली की नीति बल्कि किसानों को सहूलियत देने के तमाम दावों पर सवाल खड़े कर रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी से अजय सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।